त्यांनी त्यास गुरुवारी भारतीय रेल्वे आणि एनडीआरएफच्या संयुक्त कामगिरीने नागपूर रेल्वे स्टेशनवर मॉकड्रिल केल्या गेलं. रेल्वे दुर्घटना वाढत आहे, यात रेल्वे प्रशासन आणि एनडीआरएफ किती सक्षम आहे आणि जर काही अपघात झाला तर लवकरात लवकर यावर कार्य करता यावं हे पाहण्यासाठी नागपूर रेल्वे स्टेशनवर मॉकड्रिल केल्या गेलं. मतलब दुर्घटना को रोकने के लिए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर दुर्घटना होने के बाद हम कितनी सजगता से और कितनी जल्दी से हम दुर्घटना को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ये उसकी एक एक्सरसाइज है. जिसमें कि कोल्ड कटिंग के लिए एनडीआरएफ की टीम्स ने कितना फास्ट काम किया, एनडीआरएफ की टीम्स और हमारी टीम्स ने आर्टिफिशियल जो सीपीआर है उस पे कैसे काम किया, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे कैसे काम किया, कैसे हैंडल किया, ये सारी चीजें मिला करके हमारी एक पूरी टीम कैसे काम कर रही है. मतलब नॉट ओनली रेलवे पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, सिविल के हॉस्पिटल्स और एनडीआरएफ, जो कि 5th बटालियन पुणे से एक स्पेशल टीम आई है इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए, तो सबने मिल करके इस पूरे घटना को आज अच्छे से हैंडल किया. और अभी तक मतलब इन लोगों ने सबने अच्छा काम किया, और फिर भी एक दो अगर त्रुटियां मिलेंगी तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ताकि हम जरूरत आने पे, ईश्वर करे जरूरत ना आए, पर कह नहीं सकते, सब कुछ करने के बाद भी कभी चीजें होती हैं, तो हम उसको कैसे जल्दी से हैंडल कर सकते. थैंक यू सर. जी, ये हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि भारतीय रेल और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ, उसकी जो 5th बटालियन है पुणे में, उसके साथ में हमारी ज्वाइंट एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि हम एक दुर्घटना को डिक्लेयर करते हैं और फिर उस दुर्घटना को कैसे हमने पूरी तरीके से हैंडल किया उसके बारे में कंप्लीट एक्सरसाइज होती है.